नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका डीवीपी रिव्यूज पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू देने जा रहा हूँ इस Redmi K20 Pro का। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारे ऐसे ही प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोज है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसकी डिस्प्ले की। इसमें जो हमें मिलते हैं 6.39 इंचेस की सुपर एमोलेड HDR10 सपोर्टेड डिस्प्ले। तो इसकी जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप इसे ऑटो पे सेट कर दोगे, अभी ये मैनुअल पे है, अगर आप इसे ऑटो पे सेट कर दोगे, सनलाइट में जाओगे या फिर इसी तरह के किसी ब्राइट लाइट एरिया में जाओगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाती है और इसमें कुछ भी चीज़ आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होती। साथ ही में व्यूइंग एंगल्स है, व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी साइड से जो इसे व्यू कर सकते हो और कंटेंट देख सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखा देता हूँ। अभी इसकी जो ब्राइटनेस है ऑलमोस्ट फुल है, जो कि है मैन्युअली। और जो इसके बेजल्स है वो भी ऑलमोस्ट सारी तरफ से थिन है। इसमें अभी कवर चढ़ाया हुआ है तो आपको थोड़े थिक नजर आएंगे, लेकिन इतने थिक है नहीं। आप शार्पनेस भी देख सकते हैं डिस्प्ले की। तो इस तरह की जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है, और डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली मैटर करती है क्योंकि जो है आजकल जो फोन है पूरी तरह से डिस्प्ले ही आते हैं फ्रंट में, तो डिस्प्ले क्वालिटी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आजकल फोन्स में जो है सब कुछ डिस्प्ले पे ही डिपेंड करता है। तो उसके बाद बढ़ते हैं इसके स्पीकर, माइक्रोफोन, ईयरपीस पे। तो इसकी स्पीकर क्वालिटी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ झट से। स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब लाउड है, रिच है, क्रिस्प है, अच्छा खासा इसमें बेस भी आपको सुनने मिलेगा। तो वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है स्पीकर है, वॉल्यूम मैं फुल कर देता हूँ। फुल वॉल्यूम है। तो अगर आप स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्पीकर। अगर मैं इसे OnePlus Nord से भी कंपेयर करूँ तो Nord के स्पीकर से मुझे इसका स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगा। Nord का स्पीकर थोड़ा आपको लाउड लगेगा, लेकिन इसमें जो रिचनेस है डीप बेस की हो या फिर ट्रबल हो या फिर बाकी सारी चीज़ें हो, वो उतनी क्रिस्प एंड क्लियर नहीं है जैसे कि इसके स्पीकर में आपको सुनने मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे आपको ईयर पीस मिलेगा, और ईयर पीस की भी जो लाउडनेस है वो भी बहुत अच्छी खासी है। मतलब अगर आप वॉल्यूम इसकी जो फुल पे करके अगर ईयर पीस में से अगर सामने वाले की आवाज़ सुनो तो आपको इजीली जो आवाज़ सुनाई देगी, और थोड़ा यहाँ पे जो है यहाँ तक की जो है आपको आवाज़ आएगी। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ईयर पीस से आवाज़ आ रही है, आपको ऐसा लगेगा जो पीछे से जो आपको आवाज़ आ रही है, तो आपको जो इजीली सामने वाले पर्सन को सुनने में आसानी होगी। साथ ही में अगर मैं इसकी माइक्रोफोन की बात करूँ तो माइक्रोफोन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने बहुत बार जो है नॉइजी एरिया में जाके जो है सामने वाले से बात की है तो जो है सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं आई मेरी आवाज़ सुनने में। तो इसकी जो माइक्रोफोन क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। साथ ही में अगर इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें जो है स्नैपड्रैगन जो है 855 मिलेगा, और आपको जो ये मैं फ़ोन दिखा देता हूँ, ये जो है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। साथ ही में आपको MIUI वर्जन दिखेगा, वो भी जो है लेटेस्ट अपडेटेड हुआ है, वो वर्जन पे चल रहा है। तो इस तरह से जो है
इसके इंटरनल्स है, UFS 2.1 का स्टोरेज है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको पता है 855 थोड़ा ओल्ड हो चुका है, लेकिन इतना भी ओल्ड नहीं है कि इसमें जो है लेटेस्ट गेम्स वगैरह नहीं चलते। आप इसमें लेटेस्ट गेम चला सकते हो, पबजी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, NFS हो, कोई भी गेम हो, हाई सेटिंग्स पे आप इस पर ईजिली चला सकते हो और बहुत लंबे टाइम के लिए खेल सकते हो। ज़्यादा हीटअप भी नहीं करता। अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग भी करें 4K 60, 4K 30, लॉन्ग लंबे टाइम के लिए अगर इसमें गेम भी खेले तो ज़्यादा हीट नहीं होता। मैं इसमें जो है कवर लगा के गेम खेल चुका हूँ, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आई। फोन ज्यादा हीटअप हुआ नहीं, नॉर्मली जो है हीट होना है उतना ही हीट होता है। आप देख सकते हैं इतना थिक कवर जो है मैंने इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, साथ में जो है आगे टेम्पर्ड ग्लास भी लगाया हुआ है, तो उसके साथ जो है मैं इसके ऊपर गेम्स और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करता रहता, तो उसमें मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, हीटिंग इशू नहीं आया। तो आपको प्रोसेसर, इसकी रैम, इसका स्टोरेज वगैरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें भी जो आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं मिलेगा, ये जो आपको ड्यूअल सिम के साथ आ जाएगा, लेकिन इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्टेड नहीं है। फिर अगर बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे जो आपको जो है तीन कैमरा देखने मिलेंगे, एक है अल्ट्रा वाइड, एक है 2x जूम और एक है 48 मेगापिक्सल सोनी सेंसर के साथ, और यह है ड्यूअल टोन LED फ्लैश। तो मैं आपको कुछ जो है कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ जो मैंने क्लिक किए थे स्पेशली आपको दिखाने के लिए। ये जो है 48 मेगापिक्सल वाला शॉट है, आप देख सकते हैं, इसमें पूरी आपको डिटेल दिखा देता हूँ। तो इस तरह से जो आपको डिटेल विजिबल होगी इस 48 मेगापिक्सल वाले शॉट में, और ये ब्राइट लाइट में है, डे लाइट में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है 2x जूम के साथ है, ये 48 मेगापिक्सल ये डायरेक्टली लिया है मैंने 2x जूम पे। तो 2x जूम पे भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत बेकार भी नहीं है और बहुत एक्सेलेंट भी नहीं है, बीच की क्वालिटी मिलेगी आपको, अबव एवरेज कह सकते हो आप 2x जूम के साथ। साथ ही में ये रहा अल्ट्रा वाइड। अब अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरे को जो है कंपेयर कर सकते हो, ये जो मेन है और ये है अल्ट्रा वाइड। तो अल्ट्रा वाइड बहुत अल्ट्रा वाइड है, मतलब बहुत वाइड है कहूँगा, और जो इसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी है, क्योंकि इसमें जो 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, ऐसा नहीं कि 8 मेगापिक्सल या फिर थोड़ा 8 मेगापिक्सल के ऊपर वाला मिलेगा, 13 मेगापिक्सल है, इसलिए इसकी क्वालिटी जो है आपको डिटेल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छी है कंपेयर टू बाकी फोन्स। अगर आप OnePlus Nord के अल्ट्रा वाइड से भी कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा अच्छा इसका अल्ट्रा वाइड जो है परफॉर्म करता है। यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट के साथ कुछ फोटोज़ ली है, और जो है पोर्ट्रेट जो आप क्लिक करने के बाद भी जो है एडिट कर सकते हैं, मतलब ब्लर लेवल एडिट कर सकते हैं, लाइट ट्रेल्स एडिट कर सकते हैं, स्टूडियो लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फोटो ले ली और उसके बाद जो आपको इसकी जो ब्लर है, ब्लरनेस एडजस्ट नहीं कर सकते। तो देख सकते किसी फोटो में ज़्यादा ब्लर किया है, किसी फोटो में कम ब्लर किया है, और जो एज डिटेक्शन है, एज डिटेक्शन वो भी जो है बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। कुछ कुछ जो है आपको जो है दिखेगा यहाँ पे ब्लर ज़्यादा है, इसलिए अगर आप थोड़ा ब्लर कम रखें तो वो एज डिटेक्शन जो है और आपको अच्छा लगेगा। अगर आप हेयर्स वगैरह भी देखें बालों की तरफ वगैरह, तो ज़्यादा आपको जो है मिस्टेक्स नहीं नज़र आएंगी। साथ ही मैं आपको कुछ और शॉट्स दिखा देता हूँ, कुछ सेल्फीज दिखा देता हूँ। ये रहे सेल्फीज, 20 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा आपको इसमें मिलता है, तो आप क्वालिटी देख सकते हो, शार्पनेस वगैरह बहुत अच्छी है, और डायनेमिक रेंज भी अच्छी है। आप देख सकते हो पीछे की तरफ जो है सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है वो क्लियरली जो है कैमरा में विजिबल आपको देखने मिलेगी। कुछ आपको सेल्फी में भी जो है पोर्ट्रेट मोड मिलता है, वो ठीक ठाक कहूँगा मैं, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो और इसके साथ जो कंपटीशन है उसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो अबव एवरेज कहूँगा मैं। साथ ही में कुछ ये आपको लाइट इफेक्ट्स मिलते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा में, ये एक है, ये सारे जो लाइट इफेक्ट्स आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा में मिलेंगे। कुछ आपको वीडियोस भी दिखा देता हूँ मैं, ये जो है 1080p की वीडियो है, 37 सेकेंड्स की, 71 MB की, तो ये कर देते प्ले। स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं आप 1080p में, और आवाज़ भी जो है बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है। और एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हो।
विंड नॉइज़ बहुत आती है इसमें, जो हवा की आवाज़ है वो बहुत आती है। ये गाड़ी के ऊपर से जो है फ़ोन पकड़ा हुआ था, हैंडल्ड था पूरी तरह से, तो आप क्वालिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो प्ले करता हूँ। ये जो है 4K में है। फोर के में जो है हैंडल टू व्हीलर पर जो है फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन, एक्सपोजर कंट्रोल, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस थोड़ा इशू लगा मुझे कुछ कुछ जगहों पे। आपको लो लाइट वाला भी जो है ऑटो फोकस किस तरह से काम करता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये एक वीडियो है, ये जो है कुछ 4K वाली है। यस, ये भी 4K वाली है और इसमें भी फ़ोन जो था हैंडल था और ये वर्टिकली ली थी वीडियो, तो इसमें डायनेमिक रेंज वगैरह देख सकते हैं। सामने की तरफ से सूरज था और थोड़ा डायनेमिक रेंज में भी आपको देख सकते हैं किस तरह से काम कर रही है, और स्टेबलाइजेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक वीडियो आपको दिखा दो, तो ये जो है फ्रंट फेसिंग की वीडियो है 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो ये भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी आवाज़ भी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। एक्सपोजर में जो है थोड़ा मुझे इशू लगा, आप देख सकते हैं कलर चेंजेस हो रहे हैं। स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक लगा, और देख सकते हैं आप थोड़ा जो है एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वाइट टी शर्ट पहनी थी, तो वाइट टी शर्ट में जो है एक्सपोजर HDR जो है सपोर्ट करना, मतलब ठीक ठाक से करना डिफिकल्ट होता है सेल्फी कैमरे के लिए। तो उस हिसाब से जो है क्वालिटी अगर देखे आप तो क्वालिटी जो है मुझे ठीक ठाक लगी। स्टेबलाइजेशन भी ठीक ठाक था लेकिन एक्सपोजर कंट्रोल थोड़ा जो है कम ज़्यादा होता रहता है, उसी वजह से जो है ऑटो फोकस भी जो है कम ज़्यादा होता रहता है। और एक वीडियो है स्टेबलाइजेशन दिखाने के लिए, और इसमें डिटेलिंग आप देख सकते हैं, रोड की जो डिटेलिंग है बहुत अच्छे से विजिबल है, और स्टेबलाइजेशन में थोड़ा जिटरीनेस है, मतलब थोड़ा जो आपको हिलता हुआ नज़र आएगा इमेज वीडियो की, क्योंकि इसमें जो OIS नहीं है, ये EIS से काम करता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल जो है वीडियो क्वालिटी देखेंगे तो ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, ज़्यादा बुरी भी नहीं कह सकते। जिस प्राइस रेंज में अभी आजकल ये आ रहा है, ये जो कुछ 23,000 में आपको मिलेगा, तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से जो है OnePlus Nord जो है OIS देता है, लेकिन वो जो है 27,000 के आसपास है। तो 25,000 में अगर आप इसे M51 से कंपेयर करें तो उससे जो है थोड़ी ज़्यादा अच्छी इसकी वीडियो क्वालिटी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो अगर मैं और कुछ आपको सैम्पल्स और वीडियो दिखाऊं, तो आपको लो लाइट के कुछ वीडियो दिखा देता हूं और फोटोज़ दिखा देता हूं। यहाँ पे जो है कुछ मैंने लो लाइट वाले भी फ़ोटो लिए हुए हैं। ये जो है लो लाइट का फ़ोटो है, ये विदाउट नाइट मोड है, आप देख सकते हो। थोड़ी आपको डिटेल दिखा देता हूँ जूम करके किस तरह से डिटेल जो ये कैप्चर करता है। ये जो है विदाउट नाइट मोड है और फिर ये जो है विथ नाइट मोड है। नाइट मोड में थोड़ी डिटेल जो है बढ़ के उभर आती है, मतलब थोड़ी डिटेल आपको ज़्यादा देखने मिलेंगी एज कम्पेयर टू विदाउट नाइट मोड। देख सकते हैं ये विदाउट नाइट मोड है, ये विद नाइट मोड है। फिर और भी कुछ फोटोज है, ये जो है 2x जूम के साथ है, ये 2x जूम है, ये नॉर्मल फोटो है, ये 2x जूम। 2x जूम में भी नाइट में जो है ठीक ठाक डिटेल आपको देखने मिलेगी एज कम्पेयर टू, अगर डिजिटली जूम करोगे उससे अच्छा आप 2x कर सकते हो। ये जो अल्ट्रा वाइड फोटो है, अल्ट्रा वाइड में जो है आपको डिटेल बहुत कम देखने मिलती है, मतलब एकदम स्मजी डिटेल हो जाती है, और आपको ठीक से फोकस करके जो है कैमरा बिना शेक किए फोटो खींचनी पड़ती है, नहीं तो कभी कभी ब्लर भी हो जाती है। ये मैंने जो है ठीक से पकड़ के जो फोटो खींची थी, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा डिटेल देखने नहीं मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप डायनेमिक रेंज वगैरह देखोगे तो ठीक ठाक नज़र आएगी आपको एज कम्पेयर टू ये नाइट मोड और ये नॉर्मल मोड। और वाइडनेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा वाइड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक वीडियो सैम्पल है, ये जो है 1080p 30 वाला है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। और रात में जो आपको स्टेबलाइजेशन जो है ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन जो एक्सपोजर है और ऑटो फोकस है, मतलब फोकस हंटिंग बहुत है, आप देख जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में बहुत फोकस हंट करता है। लेज़र ऑटो फोकस इसमें आपको मिलेगा लेकिन इतना अच्छे से काम नहीं करता जैसा कि ये डे में डे लाइट में काम करता है। देख सकते हैं कभी कभी लॉक होता है, कभी कभी लॉक होने में टाइम लगाता है, और नॉइज़ भी जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने आपको मिलेगी, उसकी वजह से आपको डिटेल जो है कम देखने मिलती है।
अगर 4K की बात करूँ तो 4K में भी करीब करीब वैसी आपको चीज़ें देखने मिलेंगी। ये जो है 4K वाली वीडियो है और इसे प्ले करता हूँ। देख सकते हैं आप 4K वाली वीडियो भी ऑलमोस्ट वैसी, थोड़ी सी आपको हल्की फुल्की डिटेल आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस हंटिंग होती है और इसमें जो है फोकस करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेता है, वो भी आपको दिख जाएगा आगे वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फोकस लॉक होने में इश्यू हो रहा था, और ये एक बार नहीं हुआ, मैंने 2-3 बार वीडियो लेने को ट्राई किया लेकिन सेम इश्यू है, बार बार हो रहा था। देख सकते हैं यहाँ मेरे हाथ पे जो है फोकस नहीं कर रहा है जल्दी से, देख सकते हैं आप। और ये जो है लेटेस्ट MIUI पे है, एंड्रॉयड वर्जन पे है, तो ऐसा नहीं है कि अपडेटेड वगैरह नहीं है। ये जूम है, जूम में आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी वीडियो में। तो ये थी 4K की फुटेज। तो अगर आपको डे लाइट में वीडियोज़ शूट करने हैं, डे लाइट में सेल्फीज़ लेनी है, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। लो लाइट में फोटोज़ अच्छे से लेगा, लेकिन वीडियोज़ में इस तरह से जो फोकस में और एक्सपोजर में वगैरह ये मार खाएगा, साथ ही में डिटेल जो आपको कम देखने मिलेगी। लेकिन आप लो लाइट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। साथ ही में आपको इसमें जो हेडफोन जैक मिलता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, और हेडफोन जैक की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब आपके पास अगर बड़े वाले ईयरफोन्स हेडफोन्स होंगे, वायर्ड हेडफोन्स होंगे, तो उसकी जो आपको जो साउंड क्वालिटी इसमें मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। साथ ही में इसमें सेटिंग्स है, उसके हिसाब से जो आप इसमें इक्विलाइजर में वगैरह जाके जो है आप चेक कर सकते हैं, ट्रबल बास साउंड जो आपको कम ज़्यादा वगैरह करना है तो आप वो सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। बाकी अगर आप हेडफोन कोई भी यूज़ करें, हाई क्वालिटी हो लो एंड हो, तो ये जो है आपको साउंड आउटपुट जो है बहुत अच्छी दे देगा एज़ कम्पेयर टू बाकी फ़ोन जो इस प्राइस रेंज में आते हैं। तो हेडफोन जैक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आपको जो ये काम करा के दे देगा। साथ ही में इसमें जो आपको ब्लूटूथ जो है 5.0 मिलता है, NFC सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा। साथ ही में अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ, तो बैटरी लाइफ अगर आप मैं आपको एक बता दूँ एवरेज, मतलब आप अगर गेमिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, आप इस पर अगर सिंगल सिम पे यूज़ कर रहे हो, ये जो है सिंगल सिम पे चल रहा है आप देख सकते हो, तो ये जो है आपको ऑलमोस्ट जो है 6 to 7 आवर्स का जो है स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा इजीली। मतलब इस पर आप वो एक दिन जो है आराम से निकाल सकते हो, मतलब एक लाइट यूज़ में आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत कैमरे वगैरह क्लिक कर लिए और कुछ यहाँ वहाँ चीज़ें देख ली, वैसे अगर आप यूज़ करने वाले हो तो आराम से आपको 6 to 7 आवर्स का भी, कोई 7 आवर्स प्लस भी स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। लेकिन अगर आप पबजी वगैरह खेल रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत हैवी गेम्स खेल रहे हो, 4K वगैरह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऐसी सारी चीज़ों में जो है आपको फायर प्लस जो है स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। तो इस तरह की इसकी बैटरी लाइफ है जो मुझे ठीक ठाक लगी, बहुत ख़राब भी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी, क्योंकि मैं लाइट यूज़र हूँ तो ये मुझे आराम से एक दिन की जो बैटरी लाइफ दे देता है। अगर क्विक चार्ज की बात करूँ तो इसके साथ जो आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर आ जाएगा, लेकिन ये जो है 4.4+ जो है क्विक चार्ज सपोर्ट करता है, क्विक चार्ज वर्जन 4+ जो है इसमें सपोर्टेड है, तो ये अप टू 27 वॉट तक के जो फास्ट चार्जर आते हैं उनको सपोर्ट करता है। तो अगर आप चाहे तो वैसे अलग से फास्ट चार्जर जो है इसमें लेके चार्जिंग लगा सकते हैं, तो उसमें जो ये फ़ोन जो है विद इन आवर और 1.5 आवर के अंदर जो है आपको फुल चार्ज मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ जो बंडल चार्जर है 15 वॉट का, उसके साथ जो इसे 2 आवर्स या फिर विद इन 2 आवर्स जो है फुल चार्ज होने में टाइम लगता है, मतलब 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 50 मिनट्स का जो है फुल 0 to 100 होने में टाइम लगता है। तो उस हिसाब से जो इसकी बैटरी लाइफ है और चार्जिंग स्पीड है। बाकी अगर बात करें तो फ़ोन जो है लॉन्च हुआ था कुछ 1 या 1.5 साल पहले, कुछ 28,000 में 6128 और कुछ 30,000 में 8256 था। तो अभी जो इसकी प्राइसिंग जो है अराउंड 23,000 है, 22,999 6128 वर्जन के लिए, और कुछ बिग बिलियन डेज में अगर शायद कम हुई तो बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से जो मुझे फ़ोन लगता है उस प्राइस रेंज में, अगर आप देखें कि M51 है, Realme X3 जूम है, OnePlus Nord थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसका 25,000 का वर्जन अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे इस प्राइस पॉइंट में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लो लाइट में वीडियोज़ नहीं ले रहे हो, लो लाइट में ज़्यादा फोटोज़ नहीं ले रहे हो, तो आपको जो ये फ़ोन डेफिनेटली मैं आपको 101% रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल सारी चीज़ें हैं वो बैलेंस्ड है और ये बहुत अच्छे से आपको काम करा के दे देगा। मतलब कोई भी आप इसमें काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो भी फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, मतलब एक तरह से फ्लैगशिप लेवल 1 साल पुराना प्रोसेसर है, उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। तो अभी भी आप इसे यूज़ करोगे तो आपको बहुत फ्लूइड लगेगा, MIUI ऑप्टिमाइजेशन आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं, और इसमें और एक जो है मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है। तो इस हिसाब से यही था मेरा इस Redmi K20 Pro का लॉन्ग टर्म रिव्यू। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इसे परचेस करोगे 2020 में, 2021 में भी परचेस करोगे तो भी मैं एक तरह से कहूँगा कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आप लाइट यूज़र हो, अगर आप डे लाइट फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, तो आपको इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही था मेरे इस Redmi K20 Pro का लॉन्ग टर्म रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आपको किस तरह के इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 101% रिप्लाई दे दूंगा। और सबसे ज़रूरी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया वीडियो की, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे ऐसे ही प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।